अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ चटपटा चने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाने में ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम वक्त में बन के रेडी हो जाते हैं। कभी आपके पास बहुत कम वक्त हो, आपका कुछ खाने का मन हो, तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप इसको ब्रेकफास्ट टाइम किसी भी टाइम पर आप इसको बना के खा सकते हो। ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही हेल्दी भी होते हैं और आप अपने घर में कोई मेहमान आ जाता है तो उनको भी बना के खिला सकते हो। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर को गैस पे चढ़ा दिया है। इसमें मैंने काला चना ऐड कर लिया है। अब इसमें मैं 3 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। जितना मैंने चना ऐड किया है उसका थोड़ा सा दुगना ज़्यादा मैंने पानी ऐड कर लिया है। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया है। अब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे 7 से 8 सीटी आने तक इसको गैस पे चढ़ा दूंगी। तो 7 से 8 सीटी आ चुके हैं, मैंने कुकर का ढक्कन हटा लिया है। तो चने अच्छे से गल चुके हैं, देख सकते हैं। अब मैं इनको दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। तो मैंने सारे चने निकाल लिए हैं। अभी मैंने उसी कुकर के पानी को फेंक के कुकर साफ़ कर लिया है। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड कर लिया है, 2 चम्मच। अब इसमें मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, साथ में मैं इसमें प्याज भी ऐड कर रही हूँ और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इन दोनों को फ्राई कर रही हूँ। ज़्यादा तेज़ फ्राई नहीं करना है गैस पे, क्योंकि ज़ीरा बहुत जल जल जाता है। तो इसलिए मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे दोनों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर रही हूँ, जब तक प्याज भी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, साथ में मैंने जो चने उबाले हैं उनको भी ऐड कर रही हूँ और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि मिर्च और प्याज अच्छे से चने में मिक्स हो जाए। और गैस को मैंने लो ही फ्लेम पे ऑन करके रखा हुआ है। साथ में मैं इसमें हरी मिर्च को छोटा छोटा चॉप कर लिया है और प्याज को भी छोटा छोटा चॉप कर लिया है। और प्याज मैंने आधा लिया था और 6 से 7 मैंने हरी मिर्च ली है। अगर हरी मिर्च आप कम खाते हो तो आप इसकी इसको स्किप भी कर सकते हो, क्वांटिटी, या फिर कम भी कर सकते हो। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, आधा चम्मच नमक। ऑलरेडी मैंने जब चने उबाले थे तो मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया था, तो इसलिए मैं दोबारा में थोड़ा नमक की क्वांटिटी कम रखी है। और इन सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैंने लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। मैंने एक लेमन को 2 पीसेस में कट करके, आधा आधा कट करके अच्छे से इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आ जाता है चनों में। तो मैं इसमें एक लेमन ऐड कर रही हूँ, लेमन जूस, और इन सबको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें अब हरा धनिया ऐड कर रही हूँ और दोबारा से अच्छे से चला लेना है इन सबको। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चटपटा चना मेरा बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने इसको 10 से 15 मिनट में बना के रेडी कर लिया है और कितने कम इन्ग्रीडियंट यूज़ किए हैं और कितना सिंपल तरीके से बनाया है। और आप मेरे कभी कुछ भी सिंपल सा खाने का मन हो, आपके पास वक्त कम हो, तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अपनी फैमिली फ्रेंड को ज़रूर खिलाइएगा और अगर कोई मेहमान आ जाते हैं तो जब भी आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके फ़ीडबैक से और मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है आगे बढ़ने का। तो फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।